RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच आप लोगों ने तो देखा ही होगा, और मैंने अपनी कल की प्रेडिक्शन में भी बता दिया था कि RCB टीम की बहुत बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं इस मैच को जीतने की। और RCB टीम ने देखा जाए अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज की, देखा जाए दिल्ली कैपिटल के सामने। अगर हम बात करें मैच में क्या क्या हुआ, देखिए आप लोगों को मालूम था कि RCB के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होने वाला है, यानी कि थोड़ा बहुत एडवांटेज आप लोगों को RCB टीम को देखने को मिलेगा क्योंकि होम सपोर्ट RCB के साथ रहेगा। वहीं पर आप लोगों को एक चीज़ का और एज देखने को मिलेगा क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के लिए कर नहीं रहे, उनकी प्लेइंग 11 में होंगे नहीं, यानी कि आपको और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए टॉस हुआ, टॉस जीता दिल्ली कैपिटल के कैप्टन यानी कि अक्षर पटेल ने, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया जो कि अमूमन आप देखते हो कि देखा जाए चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेज हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने के लिए आरसीबी के बैट्समैन फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, जहां पे फाफ डुप्लेसी 7 या 8 रनों पे आउट हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए विराट कोहली अच्छे खासे रन बना रहे थे। फिर देखा जाए विराट कोहली भी मेरे हिसाब से 27 रनों पे आउट हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत झटका लगता है आरसीबी टीम को, क्योंकि मैंने कहा है कि आरसीबी टीम को अगर 240-250 रन बनाने हैं तो फाफ डुप्लेसी या फिर विराट कोहली में से किसी एक का एंड तक रहना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वहां पे दोनों बैट्समैन आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं आरसीबी के फ्यूचर स्टार यानी कि विल जैक्स और रजत पाटीदार, देखा जाए अच्छी खासी पार्टनरशिप करते हैं, जहां पे देखा जाए रजत पाटीदार एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। बस मुझे रजत पाटीदार से एक चीज़ की दिक्कत है कि भाई अगर आप 50 रन बना लेते हो ना तो उसके बाद सेंचुरी बनाने के बारे में सोचा करो, 80-90 रन बनाया करो, मतलब ये नहीं कि 50 रन 55 रनों के बाद आप आउट हो जाते हो। कहीं ना कहीं देखिए आपको मतलब बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे, 50 रन से काम चलेगा नहीं, लेकिन आप जितने भी 50 रन बनाते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन बनते हैं। वहीं पर देखा जाए कम से कम बॉलों में 50 रन बनाने का ट्राई करते हैं रजत पाटीदार, स्पिन के तो धागे खोल देते हैं आप लोगों को तो मालूम है कि स्पिन डिस्ट्रॉयर रजत पाटीदार को कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें विल जैक्स की, देखिए मुझे विल जैक्स से पर्सनली बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल भरी पारी रही उनकी, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं सामने बैक टू बैक आप लोगों को स्पिन देखने को मिल रही थी विल जैक्स के सामने, जहां पे अगर आप देखो तो कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, इनसे बैक टू बैक ओवर कराए जा रहे थे विल जैक्स के सामने। और कहीं ना कहीं मैंने कई बार कहा कि जो भी विदेशी प्लेयर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, वहां पे देखा जाए ये स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं, विल जैक्स की यह बहुत बड़ी कमी है जो कि स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं। फिर देखा जाए आरसीबी टीम जैसे तैसे 187 का टारगेट देती है, फिर दिल्ली कैपिटल के पावर प्ले में 4 विकेट चले जाते हैं। आरसीबी टीम बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग करती है, एसडीएल हो गए, सॉपलेन सिंह विकेट दिलाते हैं, मोहम्मद सिराज हो गए, आप लोगों को एक अलग ही आरसीबी की टीम देखने को मिलती है बॉलिंग लाइनअप में, जहां पे लॉकी फर्गसन विकेट लेते हैं, मतलब आरसीबी के सारे बॉलर विकेट लेते हैं, कैमरन ग्रीन एक विकेट ले लेते हैं, यानी कि अच्छी खासी देखा जाए आरसीबी की बॉलिंग होती है। और देखा जाए 47 रनों से आरसीबी टीम एक अच्छी खासी जीत दर्ज कर लेती है। अब आरसीबी टीम की देखा जाए टॉप 4 की चांसेस अभी भी जिंदा है। अब देखा जाए लास्ट मैच होने वाला है आरसीबी टीम का सीएसके टीम के साथ, अगर उन्हें देखा जाए 40 या 30 रनों से आरसीबी टीम हरा देती है तो आरसीबी टीम टॉप 4 के लिए थ्रू कर जाएगी। लेकिन आरसीबी टीम को देखा जाए कहीं ना कहीं एलएचजी टीम के मैचेस बचे हुए हैं, उन्हें भी दुआ करनी पड़ेगी कि एलर्जी आने वाले मैचेस हार जाए। बाकी ये कुछ मैच रिव्यू था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।